सो हेलो गाइस, वेलकम टू SDXP गेमिंग। तो गाइस, इस टाइप का वीडियो मैं पहली बार इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस, पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा अपने स्क्वाड के साथ खेलता हूँ, लेकिन इस टाइम मेरा कोई टीममेट ऑनलाइन नहीं था, इसलिए मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा दिया। तो मैं जब जॉर्जपुल में जंप किया तो आई बटन से मैं देख रहा था कि एक स्क्वाड जॉर्जपुल आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दो। और यहाँ पे लैंड करने के बाद मेरे को एक VSS मिला और मेरे सामने वो बंदा उतर रहा था, तो मैं थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश किया। और उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा लूट कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। तो मैं लूट करने के लिए इस वेयर हाउस में आ रहा था, लेकिन मेरे को सामने एक बॉट दिखा और वो बॉट मेरी तरफ आ रहा था। मैं थोड़ा सा VSS से डैमेज दिया उसको और मैं सोचा कि आने देते उसको। और उसके बाद वो बॉट धीरे धीरे मेरे पास आया और उसको मार के मुझे OP गन मिल गया। और उस बॉट को मारने के बाद मैं बहुत ही नज़दीक आ गया था उस स्क्वाड का, और उन लोगों को भी पता था कि मैं इस वेयर हाउस में हूँ और वो लोग मेरी तरफ ही आ रहे थे। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये जो बंदा है सामने, ये पूरा ओपन में आ रहा था, मैं इजीली इसको नॉक कर दिया, उसके बाद इसको फुल भी कर दिया। और उसके बाद पीछे से एक बंदा आया, तो चलो उसको भी निपटा देते हैं। तो उसको फुल करने के बाद मैं जिसको पहले डैमेज किया था वो मेरे वायर हाउस में एंटर कर चुका था, तो इसको तो मैं इजीली नॉक कर दिया। उसके बाद तुरंत इसका टीममेट मेरे पास आ गया इसको कवर देने के लिए। लेकिन मैं उसको कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं उसको पहले से डैमेज दे दिया था और मैं पूरा स्क्वाड को लॉबी में भेज दिया। तो जॉर्जपुल में जो स्क्वाड आया था वो हो चुका था ख़त्म, तो अब मेरे को यहाँ से निकलना था। और उसके बाद मैं सिटी आया और यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि बंदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मेरे को नहीं दिखा और मैं गाड़ी लेकर सीधा जोन के अंदर जा रहा था। और मैं जोन के अंदर ऑलमोस्ट एंटर करने ही वाला था और मेरे को पीछे से गोली पड़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी देख लेते हैं। तो मैं गाड़ी पार्क करके जब यहाँ पे आया तो मेरे को सामने से एक USZ दिखा और मेरे को लगा कि आसपास बंदा हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा वेट किया। और बंगाली में एक कहावत है कि सबुरे मेवा फले, और वही हुआ मेरे साथ। तो आगे देखो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दो बंदे को नॉक कर दिया था और एक ही बंदा था अलाइव, तो उसको रिवाइव करने के लिए वो घर के अंदर गया। तो मैं सोचा कि चलो एक ही बंदा है तो उसको भी निपटा देते हैं, लेकिन मैं जब सामने गया तो मेरे को राइट से पड़ रहा था, तो मैं काफ़ी डैमेज हो गया और मैं थोड़ा सा होल्ड किया और यहाँ पर खुद को हील किया। और ख़ुद को हील करने के बाद वो जो मैंने दोनों को नॉक किया था वो भी रिवाइव हो चुका था। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा वेट किया, उसके ऊपर अंधा रास नहीं किया, क्योंकि वो चार थे और मैं अकेला।
तो मेरे को थोड़ा सा प्लानिंग करके ही मारना पड़ेगा। तो मैं जब घर से बाहर निकला तो मेरे को एक बोट दिखा, तो मैं उस बोट को नहीं मारा, क्योंकि अगर मैं उसको मारता तो यह बंदा गाड़ी में आके नहीं बैठता और मैं इसको नहीं मार पाता। तो मैं इसको मार के यहाँ से निकल रहा था, लेकिन इसका टीममेट फिर से मेरे को मार रहा था, तो मैं फिर से होल्ड किया। तो इसको तो मैं मार दिया, लेकिन मैं सोचा चलो बहुत हो गया, जोन में जाते हैं उसके बाद देखते हैं। लेकिन मैं गाड़ी लेकर फिर से यहाँ से जब निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर से मेरे को पीछे से डीबी का शॉट आया और मैं फिर यहाँ पे रुक गया। लेकिन वो जो बंदा था वो यहाँ से निकल गया और मैं सोचा चलो मैं भी निकल लेता हूँ, और मैं सोचा वो बंदा जिस तरफ गया था मैं भी उसी तरफ जाऊँगा, रास्ते में मुलाकात भी हो सकता है। और यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को गाड़ी का साउंड आ रहा था, तो मैं सोचा वही बंदा होगा, और यहाँ पे गाड़ी रोक दिया मैं रिज के नीचे, और सामने से मेरे को वही वाइट डासिया दिखा। उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट किया उस बंदे के लिए, लेकिन मेरे को वो बंदा नहीं दिखा। शायद वो जोन में चला गया था और मेरे को भी जोन में जाना था, क्योंकि बहुत ही छोटा हो चुका था जोन और डैमेज भी काफ़ी हो रहा था, तो मैं भी जोन में चला गया। तो यहाँ पे जब मैं रोजोक से बाहर निकला तो सामने मेरे को एक ड्रॉप दिखा और मैं सीधा उस ड्रॉप की तरफ गया। मैंने सोचा कि इस ड्रॉप में बंदा आ सकता है, लेकिन इस ड्रॉप में कोई भी बंदा नहीं आया था। तो मेरे को आम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दो ऑटो गन चलाना पसंद करूंगा। तो ड्रॉप से जब मैं गिली सूट उठा रहा था तो मेरे लेफ्ट से एक गाड़ी निकल गया, तो मैं काफी उसको डैमेज दिया, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ, तो मैं उसका पीछा किया। तो यहाँ पे आने के बाद एक गाड़ी तो खड़ा था, लेकिन मैं जिसको डैमेज दिया था वो ये वाला नहीं था,
तो मैं थोड़ा सा इधर उधर देखा कि यहाँ पे बंदा हो सकता है। लेकिन तुरंत मेरे को सामने से एक गाड़ी दिखा और मैं तुरंत गाड़ी से निकल के इसको निपटा दिया। और इसको निपटाने के बाद मेरे को पता था कि आसपास ही बंदा हो सकता है, शायद बहुत सारे स्नेक भी हो सकता है। तो मैं सोचा कि चलो गाड़ी लेकर इधर उधर देख लेते हैं कि किधर स्नेक है किधर बंदा है। तो मैं ऐसा सोच ही रहा था और मेरे को एक स्नेक दिख गया। तो मैं कुछ नहीं किया इसको, मैं गाड़ी घुमाता रहा और आगे देखो क्या होगा। तो यहाँ पे दो बंदा था और दो बंदे को मैं इजीली निपटा दिया। तो ये दो बंदे को मारने के बाद मैं गाड़ी छोड़ दिया और इधर उधर बंदे ढूंढने लगा। और थोड़ा सा ढूंढने के बाद मेरे को सामने बंदा दिख गया और मैं सीधा उसके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं सोचा मैं तो गया, क्योंकि मेरा पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पिंग कितना ज़्यादा हाई आ रहा है। तो लास्ट जो बंदा था वो यहाँ पे देख सकते हो कि स्नेक है, तो उसको भी स्नेक बन के ही मारना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी तक पिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो फाइनली लास्ट बंदे को मार के मैं चिकन डिनर ले लिया। तो गाइज यही था आज का कहानी। आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।